वैसे चाबहार बंदरगाह आपका ये परियोजना हमेशा चर्चा में बनी रहती है, जिसका निर्माण हम लोग ईरान में कर रहे थे। तो इसमें चाबहार परियोजना का तो निर्माण हो चुका है, इससे और जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट थे उस पर लेकर अभी चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आज हम बात कर लेंगे कि क्यों चर्चा में बना हुआ है। चाबहार परियोजना को देख लेंगे, उसके महत्व को भी देखेंगे, और चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट ये मैन है अभी करेंट में, इसी के कारण चर्चा में आया हुआ है। चुनौतियां क्या है इसमें और इसकी आगे की राय क्या हो सकती है, समाधान क्या हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ पॉइंट आपको याद रखना है ईरान के बारे में। आपको सबसे पहले चलते हैं हम लोग मैप्स पर, तो आपको ईरान की स्थिति रखना है याद और भारत की। तो याद रखिए ये है चाबहार पोर्ट, यहाँ हम लोग विकसित कर रहे थे ईरान में, और ये ग्वादर से आपका 72 किलोमीटर दूर है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किसने किया? चीन ने। चीन इसका ग्वादर का एक विकल्प भी था, और इसका हमारे लिए सबसे ज्यादा उद्देश्य था कि अफगानिस्तान तक हमारी पहुंच हम पहुंच सकें, क्योंकि आप जानते हैं पीओके वाले हिस्से से हमारी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, लेकिन इस पर अभी अधिकार किसका है? पाकिस्तान का। तो यहां से कहीं से जाने की व्यवस्था नहीं है, तो यहां से हम लोगों ने चाबहार पोर्ट, उसके बाद अफगानिस्तान, बाकी तुर्कमेनिस्तान, यहाँ हमारी आसानी से पहुंच हो सकती है इन सभी देशों में। ठीक है, तो याद रखिए ईरान से किस किस की सीमा लगती है, तो आप याद रखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और कैस्पियन के सागर से भी इसकी सीमा लगती है, अजरबैजान से भी लगती है, तुर्की, इराक, और उसके बाद आप देखेंगे कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के पास भी ये है। ठीक है, इसकी राजधानी तेहरान है। इतने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना। भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह परियोजना को वर्ष 2003 में, कब? सन 2003 में हस्ताक्षरित किया था, यानी कि हस्ताक्षर किए थे 2003 में। यह परियोजना पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण भारत और ईरान संबंधों का प्रतीक रही है, किंतु हाल ही में खबर आई कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया, और अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने यह कहते हुए भारत को इस डील से बाहर कर दिया कि भारत इसके लिए राशि नहीं दे रहा है। हालांकि ईरान ने इसका खंडन करते हुए कहा कि भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने का सवाल ही नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अभी इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, बाद में भारत इसमें शामिल भी हो सकता है। ईरान और भारत के बीच 2016 में चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जायदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। ईरान के परियोजना से हाथ खींचने की अफवाह ऐसे समय आई जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, और हाल ही में चीन और ईरान के बीच 400 कितना 400 अरब डॉलर का की रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता भी हुआ है। और आप कहें कि ये ईरान ही इसका निर्माण करने लगा है, तो आप जानते हैं ईरान अभी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। अमेरिका के सैंक्शन लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ईरान के पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब वो अपना इसका निर्माण कर सके। आप सभी जानते हैं कि क्या किया कि चीन और ईरान के बीच समझौता हो गया, और ईरान की मदद कौन कर रहा है? चीन। और चीन की तो ये आदत ही बन जाती है कि आप नहीं देखते हैं कि वो कहीं से भी भारत निकले या कहीं भी भारत की कुछ भी थोड़ा वो उसके मौका मिले और वो अपना पैर जमा लेता है। फिर चाहे आप लोग देख लीजिए नेपाल की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात ही कर लीजिए, ये दोनों देश तो जाकर उसकी गोदी में बैठ चुके हैं। चीन, आप श्रीलंका की बात भी कर सकते हैं, अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में देख सकते हैं, यानी कि वो इतना निवेश कर रहा है कि एक तरह से वो सभी कर्जदार बन जाए उसके, समझ रहे हो? और हम सभी देख रहे हैं कि हमारे इतिहास में सबसे बुरे रिश्ते चल रहे हैं पाकिस्तान और आपके नेपाल से। नेपाल हमारा कितना अच्छा दोस्त हुआ करता था, आज सबसे बुरे रिश्ते हमारे हैं उससे, समझ रहे? चाबहार परियोजना और उसका महत्व क्यों है आखिर? भारत कई वर्षों से अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने में लगा है, किंतु पाकिस्तान ने अरब सागर में भारत के व्यापार को अवरुद्ध किया हुआ है था, इसलिए अरब सागर के किनारे बाईपास लेने की कोशिश भारत द्वारा की गई।
चाबहार बंदरगाह ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ओमान की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्री तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी पूर्वी समुद्री किनारे पर बना है और इस बंदरगाह को ईरान द्वारा व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पश्चिम की तरफ मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चाबहार परियोजना भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण परियोजना रही है, जिसके तहत भारत ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना चाहता है। आप देख रहे होंगे ना, आप देखिए, ये ग्वादर है, इससे 72 किलोमीटर दूरी है चाबहार, ठीक है। ये भारत मुंबई यहां से जुड़ेगा और यहां से अफगानिस्तान काबुल तक आसानी से पहुंच हो सकती है, बाकी देशों में भी यहां से जा सकते हैं। चाबहार भारत के लिए आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाबहार प्रोजेक्ट से भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं और भारत एक बार ईरान तक पहुंच गया तो वहां से उसके लिए रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक का रास्ता खुल जा सकता है। सामानों के आयात निर्यात की एक नई राह तैयार हो सकती है। साथ ही भारत दूसरे देशों से आयात पर होने वाले खर्च को कम कर सकता है। ईरान भारत के लिए गोल्डन गेट की तरह है। एक बार चाबहार परियोजना काम पूरा हो गया तो भारत द्वारा चाबहार से यूरोप तक सामान पहुंचाने में केवल 2 दिन लगेंगे। एक बार मैंने बताया ना कि आप लोगों को देखिए, यहां से आप देखते हैं कि यहां आपको अच्छे से देखेगा, ये हैं हम भारत, ठीक है। अब बाकी हमें इन देशों के पास जाना है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, या फिर आपको इस तरफ जाना है यूरोप में, तो आप समझिए कहां से जाएंगे, इसी तरफ से तो जाएंगे आप लोग, यहां से ही तो जाएंगे आप लोग, क्योंकि यहां से आप जानते हैं कि चीन से खासे हमारे कोई अच्छे रिश्ते नहीं है। तो अगर हमें रूस भी जाना है तो हम लोग यहां से आराम से कनेक्टिविटी पा सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि रूस में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी तरफ निवास करती है, यूरोप की तरफ, ठीक है। चाबहार बंदरगाह युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के विकास के लिए सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अफगानिस्तान के बामियन प्रांत के खनिज संपन्न हजीगाग क्षेत्र को चाबहार बंदरगाह से जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर की रेल लाइन बनाने का भी विचार कर रहा है। एक अध्ययन के अनुसार इस प्रस्तावित रेल प्रोजेक्ट का बजट ईरान और अफगानिस्तान के लिए $5 बिलियन तक हो सकता है, जिसमें भारत इन दोनों देशों की बहुत बड़ी आर्थिक मदद भी कर सकता है। इस रेल नेटवर्क से भारत मध्य एशिया के अन्य देश जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान तक अपनी पहुंच बना सकता है। चाबहार समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है और इसे इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को संतुलित करने का एक जरिया भी बताया जाता है। चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट ये अभी चर्चा में बना हुआ है, क्या है? चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत भारत को बंदरगाह के कुछ हिस्सों, 2 टर्मिनलों और 5 बर्थों के विकास के लिए 10 साल की लीज मिली। साथ ही उसे चाबहार से जाहेदान तक 628 किलोमीटर रेल मार्ग बनाने के लिए भी बुलाया गया, जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। भारत की ओर से इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को इस रेल ट्रैक के निर्माण में शामिल होना था। इरकॉन ने इस रेल प्रोजेक्ट के लिए सभी सेवाएं, सुपरस्ट्रक्चर वर्क और आर्थिक सहयोग करीब 1 से 6 अरब डॉलर देने का वादा किया था। जानकारों के मुताबिक इरकॉन के इंजीनियर कई बार साइट पर गए और ईरानी रेलवे ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन भारत ने कभी काम शुरू नहीं किया। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे जाहिर तौर पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने का डर था। हालांकि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह और जाहेदान तक रेल लाइन के काम को लेकर प्रतिबंधों में छूट दे दी थी, लेकिन जानकारों के मुताबिक इक्विपमेंट सप्लायर और पार्टनर मिलने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से कोई भी इस काम में जुड़ना नहीं चाहता था।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी बना हुआ है अमेरिका, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई भी हो, हमारी बात मत कीजिए, भारत ही, बाकी देशों की भी बात कीजिए, तो यहाँ जो भी परियोजनाएं हैं या कुछ काम उसे योजनाएं चलाना है तो सब ठंडे पड़े हुए ईरान में, क्योंकि ईरान बहुत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। और चाइना की बात करूं तो चाइना, देखिए चाइना के पास एक तो पूंजी है, इतनी पूंजी है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा अमेरिका से उसकी बहुत तगड़े से, मतलब आप सोचिए दुश्मन है अमेरिका, तो वो तो करेगा ही, जहां उसका अमेरिका देखिए अफगानिस्तान से निकला तुरंत उसने पैर जमा लिए चीन ने, WHO से निकला तुरंत पैर जमा लिए चीन ने, अब देखिए ईरान से निकला और ईरान में उसने प्रतिबंध लगाए और चीन ने क्या किया, दुगना वहां निवेश करने की सोचने लगा। इसके अलावा ईरान की चीन से बढ़ती हुई दोस्ती भी भारत के इस प्रोजेक्ट के प्रति ढीला होने का एक कारण बना है। हालांकि भारत ने 2018 में चाबहार पोर्ट के एक टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में ले लिया, इसके बाद से भारत ने वहां से अफगानिस्तान को काफी कुछ सामान निर्यात भी किया है जिनमें अनाज और खाने की चीजें शामिल थी। चुनौतियों की बात करें, सबसे बड़ी चुनौतियां ही इसमें आ रही हैं। ईरान द्वारा चाबहार रेल लिंक प्रोजेक्ट परियोजना से हाथ खींचने की अफवाह ऐसे समय में आई है जब भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच चीन और ईरान के बीच तकरीबन आपका $400 अरब के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता भी हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल देगा और बदले में चीन ईरान में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। चूंकि ईरान ने चीन के साथ यह समझौता अमेरिका की पाबंदियों और धमकियों को दरकिनार कर किया है, इसलिए इसके दूरगामी प्रभाव होने के आसार जताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते का असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत समेत बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं, जब आप सोचिए कि पूरा एक गांव को ले लीजिए, पूरे गांव उसके खिलाफ हो, किसी व्यक्ति के उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप जाके उसकी मदद कर देंगे तो आप तो उसके लिए क्या हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी इस मदद को वो जिंदगी भर ना भूले, समझ रहे हैं। तो यही चीन ने किया अभी, क्योंकि आप दुनिया भर को देख रहे हैं कोई ईरान के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। अभी अमेरिका ने देखा था कि तेल पर, कच्चे तेल पर निर्यात पर कि सबको रोक दिया था, एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था कि ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा, सभी ठंडे पड़ गए थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि चीन बराबर अपना काम कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि चीन और ईरान कितने खास हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि चीन और ईरान के बीच यह समझौता भारत के लिए भी एक झटका हो सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ईरान से तेल आयात करना लगभग बंद कर चुका है, जबकि कुछ साल पहले तक यह भारत के लिए तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुआ करता था। इसके अलावा चीनी निवेश ईरान में जाने का नुकसान भी भारत को होगा, और एक और इससे नकारात्मक भाव पैदा होता है कि हम दूसरे के बल पर दोस्ती कर रहे हैं, दूसरा अगर रोक देता है तो हम दोस्ती रोक देते हैं, तो अन्य देशों में भी हमारी नकारात्मक छवि जाती है। और आप जानिए कि कौन हमें, अगर कल हम लोग नेपाल में, अगर किसी भी देश में जैसे अफगानिस्तान में हम कोई परियोजना चला रहे हैं और अमेरिका ने कह दिया कि वहां बंद कर दीजिए तो हम बंद कर देंगे, और चीन अगर वहीं काम कर रहा है तो चीन पर कोई भी कुछ भी कर दे रहा है तो चीन काम बंद नहीं करेगा, वो अपना पूरा काम करेगा। तो आप सोचिए कौन अपने देश में परियोजनाओं को चलाने की अनुमति देगा, किसे देगा, चीन को देगा, स्वाभाविक सी बात है, समझ रहे, क्योंकि वहां कम से कम भरोसा तो है। तो भारत में ये भी देखा जा रहा है, भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करना चाहता है और इसे चीन के पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जा रहा है। चाबहार भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, ऐसे में चीन की मौजूदगी भारतीय निवेश के लिए मुश्किलें पैदा कर देगी। इस डील की वजह से भारत के लिए स्थिति अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब बनाम ईरान जैसी हो सकती है। ईरान उम्मीद रखता है कि प्रतिबंधों के दौरान भारत उसकी कुछ ना कुछ मदद करेगा, लेकिन अमेरिका का दबाव भारत पर इतना ज्यादा हो गया है कि अब उसे समझ आ गया कि भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना उसके लिए फायदेमंद नहीं है। जानकारों की राय में भारत ईरान के रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर पहुंचते जा रहे हैं जहां एक ने अमेरिका को दोस्त बना लिया तो दूसरे दोस्त नाराज होकर चीन के पास चला गया। आप यही देख रहे हैं, देखिए अभी आप सोचिए
कि आप दोस्ती उसी से करना पसंद करेंगे जो मजबूत होगा, जो खड़ा रहे, जो किसी के दबाव में ना आए, समझ रहे? तो चीन की तरफ इसीलिए आप देख रहे हैं अधिकतर देश झुकते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब आप समझिए कि दूसरी शक्ति, एक समय आप समझते थे जब सीते युद्ध चला करता था, कौन कौन, एक तरफ अमेरिकी शक्तियां शामिल थी, अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ रूस था। उसके बाद अब आपने देखा कि 1991 में एक खत्म हो जाता है सीते युद्ध, तो अब जाके आपको कौन कौन देखने को मिल रहा है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, समझ रहे? मुझे लगता है, और कई हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किए हुए, अब अमेरिका वो शक्तिशाली अमेरिका नहीं रह गया, क्योंकि आपने देखा है किस तरह से घुटने टेक दिए, फिर चाहे ईरान का मामला हो, फिर चाहे आप लोग देख सकते हैं अफगानिस्तान का मामला हो, समझ रहे? आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? भारत ईरान की दोस्ती की बुनियाद रही है दोनों की तटस्थता। शीत युद्ध के दौर में भारत ने हमेशा अमेरिका की अगुवाई वाली पश्चिमी ताकतों और तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट शक्तियों से बराबर की दूरी बनाए रखी, यानी कि भारत किसी भी में शामिल नहीं हुआ था, ना तो अमेरिका के जो भी गुट था उसमें, ना ही सोवियत संघ में। किंतु जानकारों का मानना है कि अब भारत अमेरिका के कूटनीतिक फ्रांस के और करीब जाता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, ईरान की अर्थव्यवस्था को, ऐसी स्थिति में भारत द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की जा रही है, जिससे वह नाराज होकर चीन के पास चला गया, और चीन तो बैठा ही है कि आइए कोई भी मेरे पास आइए, समझ रहे? अगर भारत द्वारा सही समय पर ईरान की मदद नहीं की गई तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में चाबहार पोर्ट की लीज का एक्सटेंशन खतरे में पड़ सकता है। ईरान द्वारा चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI और CPEC की जमकर तारीफ की गई, इसे ईरान की विदेश नीति में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। ईरान का हालिया रूप मध्य पूर्व क्षेत्र में शक्ति संतुलन के समीकरण बदलने का संकेत भी हो सकता है। इस क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब चीन भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ईरान और चीन के बीच हुए आर्थिक और सुरक्षा समझौते से भारत की चिंता और बढ़ गई। चीन और ईरान के बीच पार्टनरशिप डील के तहत चीन चाबहार के ड्यूटी फ्री जोन और ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी में ईरान की मदद कर सकता है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि चीन चाबहार बंदरगाह में और बड़ी भूमिका में सामान आ सकता है चीन का। चाबहार और अमेरिका ईरान के बीच संतुलन साधने में भारत के लिए अफगानिस्तान की भूमिका गेम चेंजर रही है। फरवरी 2019 में अफगानिस्तान से पहली बार सामान चाबहार के जरिए ले जाया गया, इससे अफगानिस्तान में जरूरी स्थिरता के लिए इस बंदरगाह की अहमियत और साफ हुई। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं धीरे धीरे वापस बुला रहा है, ऐसे में वहां शांति स्थिरता सुनिश्चित करना अमेरिका और भारत के लिए जरूरी है। इसलिए भारत को सदियों पुराने दोस्त ईरान के साथ सामूहिक रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा। चीनी निवेश ने अफ्रीका के केन्या और एशिया के श्रीलंका जैसे देश को कर्जदार बनाकर छोड़ा है, ऐसे में भारत को चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में ईरान को सचेत करने की आवश्यकता है। याद रखिए, आप लोग ही सोचिए कि मतलब कौन मतलब हम लोगों को मदद करेगा, जो हम लोग आप समझते थे एक समय रूस हमारा अच्छा मित्र हुआ करता था, रूस से आज हमारी मतलब खटास ही चल रही है, यही कह सकते हैं लगभग। पाकिस्तान और चीन की तरफ रूस का झुकाव देख रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका की तरफ पूरी तरह से झुकते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? अमेरिका की चालों में हम लोग फंसते जा रहे हैं, तो हम लोग जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे हमारे, उन्हें भी हम लोग खोते जा रहे हैं। जब 2014 में नई सरकार आई, उसके बाद आपने देखा है कि काफी हद तक हमारे पड़ोसियों से और बाहरी देशों से संबंध अच्छे हो चुके थे, पाकिस्तान से भी बात होने लगी थी, लेकिन आप देखिए अभी 2020 में आप लोग देखेंगे सबसे बुरे रिश्ते अगर किसी से चल रहे हैं तो हमारे पड़ोसियों से। और आप जान सकते हैं कि एक समय अगर अमेरिका से हमारी दोस्ती ना रहे, कम हो जाए, मतलब ज्यादा ठीक रहे, काम चलाओ तो काम चल सकता है, लेकिन आप सोचिए अगर हमारे पड़ोसी ही हमसे दूर हो जाते हैं तो एक चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि हम पड़ोसियों को बदल नहीं सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि नेपाल को उठाकर हम लोग अफगानिस्तान के बाहर फेंक दें, समझ रहे हैं? और ये हमारी मतलब ताकत रहती है, क्योंकि जब अगर आप सोचिए बाहरी व्यापार रुक जाता है तो यही तो आसानी से व्यापार भी तो हो सकता है इनसे आना जाना, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए तो बात की जा रही है कि हमारी जो विदेश नीति है इसमें हमें परिवर्तन या इसमें झांकने की जरूरत है,
इसमें क्या सुधार करना चाहिए, कम से कम मालूम तो रहना चाहिए। तो यही कहानी है, ठीक है, हमें जो भी अपडेट होगा हम लोग बात करते रहेंगे।